तो गुरु लोग द कश्मीर फाइल के ऊपर आया अनुपम खेर का बड़ा रिएक्शन। इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसी बातें बता दी जिस वजह से फैंस इनको कर रहे हैं ट्रोल। जी हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम पर एक फिल्म आई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल। इसको लेकर लोग बहुत ही विवाद कर रहे हैं। जब एक मीटिंग के दौरान अनुपम खेर को पूछा गया कि केरला स्टोरी के ऊपर ऐसा क्या है जिस वजह से लोग विवाद कर रहे हैं, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। अनुपम खेर का कहना यह था कि ये वही लोग हैं जो हर मूवी को खराब बोलते हैं, हर मूवी का बॉयकॉट करते हैं। जब आप अपने आंखों को बंद करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को पाओगे। अनुपम खेर का आगे कहना यह था कि कोई भी फिल्म एजेंडा लेकर नहीं बनती है। कोई मेकर ये नहीं सोचकर फिल्म बनाता कि मैं एक एजेंडा फिल्म बना रहा हूँ। एक फिल्म बनाने पर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर कोई फिल्म कम बजट में बन भी जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत लगता है। एक फिल्मों में लगभग 100 लोग काम करते हैं और कई सारे टेक्नीशियन भी अपना टेक्निक यूज करते हैं। आजकल हम लोग ऐसी दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमको ट्रू इवेंट्स वाली फिल्में देखनी चाहिए। उनका आगे कहना था कि बहुत सारे लोग द केरला स्टोरी मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं। उनका कोई शौक तो नहीं पैसा खर्च करने का, तो इसीलिए जो लोग इस फिल्म को देखने जाते हैं आप उनकी इज्जत करो। आप कौन होते हो उनको रोकने वाले? बाकी अनुपम खेर ने इस टाइप का बयान जब से दिया है तब बहुत सारे लोग इनके ऊपर भड़के हुए हैं और बहुत सारे ट्रोल भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में भी हैं और बहुत सारे लोग इनके खिलाफ। मगर मैं आपको बता दूं कि द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो अभी के टाइम पर बहुत ही तगड़ी कमाई कर रही है। जहां पर बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर जो है अपनी फिल्म को नहीं चला पाते, वहां पर ये छोटी सी फिल्म जो है अपनी ढेर सारी कमाई कर रही है। बाकी ये तो अनुपम खेर का रिएक्शन था। तुम्हारा इनके रिएक्शन के ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय और गुड बाय।